हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। मैं आज पोहे की बहुत ही आसान सी बनने वाली और बहुत ही मजेदार कुरकुरी रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसे एज ए टी टाइम स्नैक ले सकते हो, आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हो या फिर आप अपनी छोटी सी किचन पार्टी में भी बना सकते हो। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और आप इसे एक हफ्ते तक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो जरूर हिट कीजिए लाइक बटन। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं पोहा गोल्डन कॉइंस। हमने यहाँ पे 2 कप मोटा पोहा लिया है, ये जाड़ा पोहा है। इसे हम पानी में धो देंगे और फिर 15 मिनट के लिए इसे फूलने रख देंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं, पोहा यहाँ पे फूल चुका है। ये हल्का सा गीला है लेकिन ये बहुत ज्यादा गीला नहीं है। अब पोहा को हम प्लेट पर निकाल लेंगे। हमने यहाँ पे एक मध्यम आकार का उबला हुआ आलू लिया है, तो इस आलू को हम कांटे की सहायता से मसल लेंगे। और हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मसल लेना है, इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो देखिए हमने बहुत ही अच्छे से इसे मसल लिया है। अब इसमें हम 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक यहाँ पे डाल देंगे। हम यहाँ पे नमक बहुत हल्का सा डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं। हमने यहाँ पे बहुत ही साधारण से मसाले लिए हैं, आप चाहो तो यहाँ पे अपने हिसाब से मसाले भी डाल सकते हो। अब हम इसे मसल मसल के मिलाएंगे। हमें यहाँ पे इस तरह से मसलना है ताकि पोहा अच्छी तरह से आलू में मिक्स हो जाए और अच्छे से गूंद जाए। हमें यहाँ पे अच्छे से मसल के इसे डो बना लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे डो तैयार कर लिया है। इसमें अब थोड़ा सा हम तेल डाल देंगे और इसे लपेट लेंगे तेल से। तो डो यहाँ पे तैयार हो चुका है। हमने यहाँ पे थोड़ा सा तेल लिया है, ये तेल हम उंगलियों पे इस तरह से लगा लेंगे और छोटा सा हिस्सा ले लेंगे हम पोहे का। और इस तरीके से हमें हल्के हल्के हाथों से दबाते रहना है और गोलाकार दे देंगे। अब हल्का सा हम तेल लगा लेंगे वर्क स्टेशन पर और हमें यहाँ पे अच्छे से इसे बेलना है। हमें ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, बहुत ही हल्के हल्के हाथों से हम इसे बेल लेंगे। इसके जो किनारे आप देख रहे हो फटे फटे से हैं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए हमने यहाँ पे इसे बेल लिया है। अब कटर की सहायता या फिर तेज किनारे वाली जो कटोरी होती है वो आप ले सकते हो। इसे हम इस तरह से रख देंगे और कट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे छोटी सी पोहे की पूरी तैयार कर ली है। अब ये जो बचा हुआ हिस्सा है उसे भी हम बेल लेंगे और कटर की सहायता से हम इसे कट कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान सा है, हम बाकी के पोहे को भी इसी तरीके से बेल लेंगे और हम कट कर लेंगे कटर की सहायता से। हमने यहाँ पे छोटा सा बैच तैयार कर लिया है और तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें से धुआं सा निकलने लगा है। और आंच को हमने यहाँ पे मध्यम रखा है। जो पोहे की नमकीन पापड़ियां हैं वो हम डाल देंगे तेल में। करीबन हमें इसे 1.5 मिनट तक तलना है दोनों तरफ से, या जब तक ये हल्की सी ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए हमने यहाँ पे पोहे की पापड़ियाँ तल के तैयार कर ली है। इसे अब हम प्लेट पर निकाल लेंगे और बाकी की जो पोहे आलू की पापड़ियाँ हैं वो भी हम तल लेंगे। तो बहुत ही आसानी से बनने वाली पोहा आलू पापड़ी तैयार हो चुकी है, ये काफी क्रिस्पी सी बनती है। इसे हम तोड़ के देख लेते हैं। तो आपने सुना ये कितनी कुरकुरी सी है, अब इसे हम खा के देख लेते हैं। बहुत ही ज्यादा टेस्टी है ये और बहुत ही ज्यादा कुरकुरी सी बनी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पोहा आलू पापड़ी की रेसिपी पसंद आई होगी। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही कम सामग्री की जरूरत होती है इसमें। आप जरूर घर पे ट्राई कीजिएगा और आपका फीडबैक जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।